हेलो फ्रेंड, यूपी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम तिल गुड़ बेसन के मावा लड्डू बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक कटोरी तिल लिए, इसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि ये फूल जाए। देखिए हमारे तिल फूल गए हैं। अब हमने एक चम्मच घी डाल के बादाम, इनको भी हमने फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें घी डाला और एक कटोरी बेसन डाल, इसको हम धीमी आँच पे लाल करेंगे। दूसरे फ्राई पैन में हमने गुड़ लिया और एक चम्मच इसमें पानी डाल दिया। इसमें हमने आधी कटोरी मिल्क पाउडर की डाली। अब इसको हम देखने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसको हम देखेंगे। अभी फैल रहा है, अभी हमारी चाशनी पकी नहीं है, गुड़ सिर्फ फैल रहा है, अभी हमारी चाशनी पकी नहीं है। इसे और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच पे। अब ये हमने जो गुड़ का सिरम बनाया है उसमें हम डाल देंगे। और इसके अंदर जो हमने तेल फ्राई किए थे वो भी तेल को भुना था आधे तेल इसमें डाल के, इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने बादाम वगैरह को भी इसमें पीस लेना है। ये इसको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब इसमें हमने ये बादाम और ये जो तिल अलग से थोड़े से रखे हुए थे वो भी इसमें मिक्स कर दिए। आप इलायची भी डाल सकते हो। अब इसको ऐसे से मिक्स कर दिए। Thank you.